टेलीफोन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन रहा है जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का तरीका बदल के रख दिया एंड टेलीफोन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हमेशा से बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग रही है तो इसके लिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक टेलीफोन काम करता है और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक बिग बल्कि टेलीफोन एक छोटे से स्मार्टफोन में बदल गया हमको पता है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सो दीज आर द चैप्टर्स ऑफ द वीडियो यू कैन इजिली स्किप टू एनी पार्ट ऑफ द वीडियो विच इंटरेस्ट यू

एंड फिर 1838 में बी मोर्स ने इलेक्ट्रिक सिग्नल से कम्युनिकेशन करने का सिस्टम इन्वेंट कर दिया टेलीग्राफ मशीन टाइम तक मार्च इन्वेंटेड सेवेंटीड फर्स्ट टेलीफोन एंड सक्सेसफुली उसका यूज करके शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन किया और तब से लेके आज तक टेलीफोन में बहुत सारे इनोवेशन हुए जिसने टेलीफोन को बदल के रख दिया और हमें प्रेजेंट डे स्मार्टफोन मिला टेलीफोन को आगे समझने से पहले थोड़ा साउंड को समझ लेते हैं साउंड क्या है उउंडस आर वेब्स ऑफ वाइब्रेशन डेट कैन बी ट्रेवल थ्रू एयर और एनी अदर ऑडिबल मीडियम आसान शब्दों में बोला जाए तो जब कभी कोई एक फिजिकल ऑब्जेक्ट या फिर मटीरियल वाइब्रेट होता है तब उससे ऑफ निकलती है। फिर इन वेव को साउंड बोलते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वन सेकेंड मटेरियल एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो जो कि 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज हो तब उस वाइब्रेशन यानी साउंड को हमारे ईयर से सुना जा सकता है टेलीफोन का बेसिक प्रिंसिपल कप्स एंड स्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट से आसानी से समझा जा सकता है बेसिकली कप्स एंड स्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट बहुत ही इजी और सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो हम अपने घर में भी कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में हम दो कप लेते हैं और उनके दोनों एंड्स को एक स्ट्रिंग से अटैच कर देते हैं फिर अगर कप्स को एक दूसरे से दूर ले जाके किसी एक कप में कुछ बोला जाए तब उसका उनको दूसरे कप से सुना जा सकता है बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जब हम एक एंड से कप में कुछ बोल रहे हैं तब उस कप का बॉटम एक डाया की तरह बिहेव करता है और हमारे बोलने पे वाइब्रेट होता है फिर ये वाइब्रेशन स्ट्रिंग से पास होकर दूसरे कप तक पहुंच जाती है इन वाइब्रेशन से सेकेंड कप का बॉटम भी वाइब्रेट होने लगता है और हमें आवाज सुनाई देती है तो कुछ इसी प्रिंसिपल का यूज करके एक टेलीफोन काम करता है 1876 में ग्राम बेल के टेलीफोन मॉडल में इन कप्स की जगह दो सिमिलर डिवाइसेस ने ले ली थी जो कि बोलने और सुनने का काम करते थे एंड साउंड को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करने के लिए एक नॉर्मल से धागे की जगह ये डिवाइस इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्टेड थे जब हम स्पीकिंग डिवाइस से कुछ बोलते हैं तब साउंड इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होकर कनेक्टेड वायर से पास होने लगता है फिर हम साउंड को दूसरी साइड लिसनिंग डिवाइस से सुन सकते हैं चलो इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से समझते हैं दिस इज दी इन साइड वे ऑफ स्पीकिंग डिवाइस जहां से हम बोल सकते हैं इस डिवाइस में एक तरफ एक पतला सा पार्ट रहता है जिसे डाया फ्राम बोलते हैं और ये डाया फ्रेम इतना सेंसेटिव होता है की हमारे बोलने पर वाइब्रेट होने लगता है और इस डिवाइस के दूसरी तरफ एक आयरन का पार्ट होता है एंड बोथ दिस पार्ट आर कनेक्टेड विद द कंटिन्यूस करेंट सप्लाई आइडियल स्टेट जब स्पीकिंग डिवाइस में कुछ नहीं बोला जा रहा है तब डाया और पार्ट दोनों डिस्कनेक्टेड रहते हैं और फिर जब हम स्पीकिंग डिवाइस में जब कुछ बोलते हैं तभी सेंसिटिव होने के कारण साउंड की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होने लगता है और इन वाइब्रेशन की वजह से डाया का पीछे का हिस्सा आयरन पार्ट से कनेक्ट होकर सर्किट कंप्लीट कर देता है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होने लगते हैं डाया के साउंड की फ्रिक्वेंसी में ही वाइब्रेट करने के कारण इलेक्ट्रिक सिग्नल भी उसी सेम पैटर्न में पास होते हैं फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल कनेक्टेड वायर के थ्रू लिसनिंग डिवाइस की ओर चले जाते हैं और कुछ इस तरह एक टेलीफोन का स्पीकिंग सिस्टम काम करता है नाउ इलेक्ट्रिक सिग्नल कनेक्टेड वायर के थ्रू स्पीकिंग डिवाइस से पास होकर लिसनिंग डिवाइस में आ चुके हैं लेट कि कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल साउंड में कन्वर्ट होते हैं और इवेंचुअली हमको आवाज सुनाई देती है लिसनिंग डिवाइस में भी एक डायफ्रेम होता है जो कि वाइब्रेट करता है devices, so device, के पीछे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ रहता है जो कि करंट पास होने पे एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इन दोनों पार्ट्स के बीच एक आयरन बार रहता है जो कि डाया से कनेक्टेड रहता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट से समय समय पे अट्रैक्ट होता रहता है जब इलेक्ट्रिक सिग्नल स्पीकिंग डिवाइस से लिसनिंग डिवाइस में आते हैं तब उन सिग्नल्स की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज हो जाता है फिर इस मैग्नेटाइजेशन की वजह से डाइफ्रेम से कनेक्टेड आयरन बार इलेक्ट्रोमैग्नेट से अट्रैक्ट होने लगता है जिससे सेम ही तरह से वाइब्रेट होता है एज इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम स्पीकिंग डिवाइस एक स्पेसिफिक पैटर्न में रहते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी उसी पैटर्न में मैग्नेटाइज होता है जिससे आयरन बार एंड डाया सेम ही पैटर्न में वाइब्रेट होते हैं और फिर इस डाया के वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है

पॉसिबल हो पाया चलो अब देखते हैं कि पुराने समय में टेलीफोन कॉल कैसे किए जाते थे सपोज हमें एक कॉल करना है तब हम टेलीफोन का रिसीवर उठा के नंबर डायल करेंगे देन आफ्टर डायलिंग ये सिग्नल्स लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में जाते थे जहां से बेस्ड ऑन द डायल नंबर लोकल टेलीफोन एक्सचेंज मैन्युअली कनेक्ट द कॉल विद द रिसीवर टेलीफोन एक्सचेंज रिसीवर टेलीफोन एक्सचेंज जिससे हमको बात करनी होती है उसे कनेक्ट कर देता है और इस तरह पुराने समय में टेलीफोन कॉल किए जाते थे टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम में सारी चीजें की जाती थी सो ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ टेलीफोन एंड हाई इनोवेशन इन दिस फील्ड ये वायर्ड एंड मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम की जगह वायरलेस एंड ऑटोमेटिक सिस्टम ने ले ली एंड बिग बल्कि टेलीफोन इनोवेट होते होते छोटे टेलीफोन एंड इवेंचुअली स्मार्टफोन में बदल गए सो so, कुछ इस तरह एक टेलीफोन काम करता है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें